प्रवेश प्रारंभ। संपर्क करें महादेवी मेमोरियल गर्ल्स इंटर कॉलेज नई आबादी अजीता का नगला आगरा। संपर्क करें 9927087687। ये 22 तारीख से जो लॉकडाउन ये शुरू हुआ था, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये लॉकडाउन का प्रथम चरण 22 तारीख से 22 मार्च से शुरू हुआ था, और इस लॉकडाउन का कम से कम 2 महीने 3 दिन ये हो गए हैं। और इस कालखंड में जनता को खाद्यान्न की काफ़ी कमी अखरी थी, और इस कमी खाद्यान्न की कमी को पूरा करने के लिए अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ये कहा गया था कि भाई इस उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए, इस योजना के तहत ऊपर से खाद्यान्न यहाँ पर भेजा गया। और अपने जो लेखपाल संघ है और जिन लेखपालों ने सदर तहसील के जितने भी लेखपाल हैं और अपने अधिकारियों के SDM सदर, अपने तहसीलदार नायब तहसीलदार, अपने अधिकारियों के निर्देशन में ये किटें जो पहुंचाई हैं उसे जनता को काफ़ी राहत मिली है जय। और जिन्होंने अच्छा काम किया है इस दौरान जय, उन्होंने अपनी जीवन की परवाह नहीं की कि हमको भी कोरोना हो सकता है, उसके बावजूद भी ये अपनी सेवा कार्य में लगे रहे। ऐसे लेखपाल के लेखपालों को और यहाँ पर सम्मानित किया गया है। आज मैं आया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसे बहुत सारे मेरे ख्याल से 3-4 दर्जन लेखपाल हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है, और इससे एक आगे भी अच्छा काम करने की प्रेरणा इन सब लोगों को मिलती है। मैं इन्होंने जो काम किया उसके लिए मैं इनको बधाई देने के लिए आज मुझे यहाँ पर बुलाया गया। मुझे खुशी है कि वो लेखपाल हैं, उनको सम्मानित किया है, बहुत अच्छे, इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इस समय आपदा का चूंकि समय चल रहा है, वैश्विक महामारी COVID-19 के तहत अगर देखा जाए तो सभी लोग अपने अपने घरों में बंद हैं, लोगों के रोजगार काफ़ी हद तक छिन चुके हैं। ऐसी स्थिति में काफ़ी लोगों को खाद्यान्न की समस्या उत्पन्न हुई, और इसके अलावा जितने क्वारंटीन सेंटर थे और बाहर से जो आने वाले प्रवासी श्रमिक थे और जो आगरा के प्रवासी श्रमिक थे, ऐसे सभी जगह जितने राजस्व कर्मी थे सभी की ड्यूटियाँ लगाई गई थी, और उन्होंने अपनी ड्यूटियाँ काफ़ी भली भांति तरीके से निभाया। उन्होंने इसी क्रम में उनका प्रोत्साहन करने के क्रम में मंत्री जी ने आज अपने व्यस्तम समय में आज तहसील सदन में आज यहाँ पे समय निकाल के आए, और उन्होंने लेखपालों का काफ़ी प्रोत्साहन किया, उनका उत्साह वर्धन किया। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगी। और अगर इस तरीके की प्रक्रिया और आगे चलनी है तो मतलब चूँकि लेखपालों का भी काफ़ी व्यस्ततम काफ़ी उनके उनको भी और काफ़ी संक्रमण होने की भी संभावना थी, कई हॉटस्पॉट में भी उन्होंने खाद्यान्नों का वितरण किया, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने आगे बढ़ के काम किया। इसके लिए सम्मान और प्रोत्साहन आवश्यक भी था, जिससे इनका मनोबल आगे बढ़ा रहे और ये आगे अच्छे तरीके से काम करते रहे। जब कई अच्छे कार्य के लिए सम्मान होता है तो बहुत अच्छा लगता है। हम आभारी हैं माननीय मंत्री जी के, उन्होंने अपने लेखपालों के दुख दर्द को समझा, उनकी मेहनत को समझा, बिना सुरक्षा के अपनी जान जोखिम में डालते हुए रात दिन गरीब लोगों तक अपने राशन की किट पहुँचाना, उनकी सूचना एकत्रित करना, अपने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराना, क्वारंटाइन सेंटरों पर पूरी व्यवस्थाएं करना, इस तरह की उनको देखा कि हाँ असली कोरोना योद्धा लेखपाल ही हैं। तो हम आभार करते हैं कि हमारे सम्मान के लिए आए, इसलिए लेखपाल संघ सदैव आभारी रहेगा। भविष्य में लेखपाल सदैव आपदा के समय जितनी भी कुछ चीज होती है उसमें बढ़ चढ़कर सबसे पहले कार्य करने वाला जनित के अगर कोई कर्मचारियों में है तो वो लेखपाल है। इसके लिए एक बात सुनाए माननीय मंत्री का धन्यवाद देते हुए। शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा नाम आगरा वनस्थली विद्यालय मिक प्री ग्रुप दे रहा है उचित सुविधाओं के साथ गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा। डॉलिस पब्लिक स्कूल बल्केश्वर आगरा, आगरा वनस्थली प्राइमरी विद्यालय ट्रांस यमुना कॉलोनी आगरा, AVMD इंस्टीट्यूट ग्राम सवाई एतमादपुर आगरा, समस्त विद्यालयों में उच्च प्रशिक्षित शिक्षक, साइंस लैब, लाइब्रेरी और स्टूडेंट्स के लिए बस सुविधा उपलब्ध है। CBSE नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त कक्षा 12वीं तक के छात्रों के लिए साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के विषय की सुविधा दी जाती है। पढ़ेगा देश तो बढ़ेगा देश की सोच के तहत मिक फ्री ग्रुप के विद्यालय आपके नौनिहालों का भविष्य संवारने का काम कर रहे हैं। प्रवेश प्रारंभ, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9897189067 व 9412395795।